उसको पहले बहुत सारा आंवला घिस लूँगी, उसके बाद जो है हम लड्डू बनाएंगे। कम से कम एक घंटा तो नहीं लगता है, लेकिन आधे घंटा जरूर लग जाता है। पहले हम उसको भिजूंगी, उसका जो रस है पूरा अच्छी तरह से कपड़े से उसको निचोड़ लूँगी। निचोड़ के रस को रख दूँगी पीने के लिए। गैस वैस के लिए बहुत फ़ायदा करता है, एक्चुअली आँख के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है आंवला का रस। एक एक ढक्कन डेली पीऊँगी इसको हम, और भी सब लोग पियेंगे। उसके बाद हम आंवले का लड्डू बनाएंगे। देखिए आंवला उबालने के लिए, जो आंवला हम घिस के रखे हैं उसको उबालने के लिए पानी उबल रहा है। और ये देखिए हमारा आंवला है, ये देखिए घिसने के बाद इस तरह दिखता है। अब इसका जो रस है हम इस तरह निचोड़ के, उसके बाद ये देखिए अब इस तरह इसको आंवला इस तरह निचोड़ना है, जो रस निकलेगा इसको हमको बोतल में भर के रख देना है, क्योंकि पेट के लिए, आँख के लिए, बाल के लिए हमारे बहुत फायदेमंद की चीज़ है। देखिए इस तरह पानी में इसको डालना। ये देखिए देखिए अभी फटक रहा है, देखिए इस तरह होने लगे, बस अब इसको निकालना है। इस तरह जाली की थाली में इसको इस तरह निकालिए। ये उबाल के आ रहा है, इस तरह हम इसको छन्नी की थाली में छान ली हूँ। अब देखिए ये ठंडा पानी है, इसको इसलिए डाल रही हूँ जिससे जो बहुत खट्टा है आंवला, ये खट्टाई और कम हो जाए और चीनी कम लगे। अब इसको जो है इस तरह हाथ से इस तरह निचोड़ना है, निचोड़ के इसको इस तरह, देखिए कढ़ाई में कुछ नहीं है हमारे, इसको सीधे इसी तरह कढ़ाई में डालना, कुछ है नहीं, सिर्फ आंवला डालना है। ये देखिए लगभग 1.5 किलो हमारा आंवला है, ये उस हिसाब से हम चीनी डालेंगे इसमें। बस इतने ही चीनी पड़ेगी इसमें। अभी इस तरह इसको धीमी आंच करके पकाते रहिए, फिर जो चीनी गल जाएगी अपने आप जो है लड्डू बनने लगेगा। अभी इस तरह हो गया है, अभी उसका हम लड्डू बनाऊंगे। ये देखिए कोई इलायची उलायची सेंट वेंट तो कुछ नहीं डालना है, क्योंकि ये सब डालने से आंवले का स्वाद हट जाता है। ये देखिए इस तरह बन रहा है। देखिए अभी थोड़ा गर्म है, अभी इसको जो है ठंडा होने पर इसको आसानी से बनाइए।